नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखिए, जो अपना पिछले वीडियो दो मैंने बनाए इंडियन ज्योग्राफी के, उसमें पहला वीडियो अपना था पठारों से संबंधित, और उससे पहला वीडियो मैंने बनाया था शायद ये बेसिक जानकारी ज्योग्राफी की क्या क्या था इंडियन ज्योग्राफी में, और दूसरा पठारों से जो पहाड़ियाँ ये सब कुछ पठार बताए थे मैंने और चट्टाने बताई थी, और तीसरा वीडियो अपना था नॉटिकल मीन से, और आज का चौथा वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, क्योंकि अपन पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और अरावली तीन चीज़ें आज अपन लेके चलेंगे। कौन कौन सा? अरावली पर्वत श्रेणी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। मतलब ये तीन चीज़ें, यदि मतलब मेरा कहने का है कि ये तीन अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक, अरावली, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यानी कि यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा तो अपना जितना भी आज आपका अंत तक जितना वीडियो होगा उनमें से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, अब देखो पर्वत पठारों से संबंधित चट्टाने अपन ने पढ़ ली, अब बात करते हैं पर्वत की, ये पहाड़ियाँ और पर्वतों की, और घाट घाट कैसे क्या है, श्रेणियों की। सबसे पहली बात यह है कि पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि जब वो वीडियो देखोगे तो उसी के आगे बिल्कुल जस्ट रिलेटेड हैं पूरे वीडियो, तब आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो नए हैं उनको भी समझ में आए, लेकिन पिछला वीडियो जरूर देखने के बाद यदि इसको देखोगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, देखो पर्वत या पहाड़ियों की बात करें तो देखो पर्वत टोटल भारत की यदि बात करें तो भारत में टोटल पर्वतों की पर्वत कितने हैं, 11% है। कितने परसेंट? ये परसेंटेज भाई याद करना है कि पर्वत कितने परसेंट हैं, पहाड़ कितने परसेंट हैं। देखो मैं शुरुआत में बता दिया, ये कुछ डाटा ऐसे हैं कि इनको याद करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि अच्छा पर्वत पहाड़ियों से संबंधित है, मुझे बेसिक से तक पता है। तो पर्वत कितने हैं, पूरे कितना परसेंट है, यदि 100% में से पूरा क्षेत्र माना जाए उनमें से 11% तो पर्वत है और 18% है पहाड़ियाँ। कितने परसेंट? 18% पहाड़ियाँ हैं, 11% पर्वत हैं और 28% पठार हैं। कितने परसेंट? 28% जो है तो पठार है, 11% हो गए पर्वत और 18% हो गई पहाड़ियाँ और 28% हो गए पठार और 43% कितने परसेंट? 43% है अपना मैदान जिसमें अपन लोग निवास करते हैं। तो 11% कौन ले गया? पर्वत ले गए, 18% पहाड़ियाँ ले गई और 28% पठार ले गए, और 43% अपने पास बचा जो क्या कहलाता है, अपना मैदान है 43% में। ठीक है, तो 11, 18, 28, 43 इनको बिल्कुल याद करना है, एक एक पॉइंट याद करना है, क्योंकि पूरे फैक्ट ही फैक्ट हैं इसमें, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने के पहले ये मैंने अरावली तीन चीजें आज मैंने तीन बताई कि तीन चीजों पे अपन को डिस्कशन करना है, अरावली पर्वत श्रेणी पढ़नी है, पश्चिमी घाट पूरा पढ़ना है और पूर्वी घाट पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी से। देखो अरावली का नाम सब लोगों ने सुना और पेपर एग्जाम सब आप लोगों ने कोई ना कोई दिए ही होंगे, उसमें आपने क्वेश्चन देखे होंगे अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में है। सिंपल सा, आज से 10 साल पहले का पेपर उठाइए तो यही क्वेश्चन आपको मिलेगा कि अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में है। ज़्यादा लंबाई तो वो इसी राजस्थान अपन टिक कर देते हैं कि राजस्थान क्षेत्र में, क्योंकि 560 किलोमीटर के समथिंग सबसे अधिक मात्रा में लंबाई कहाँ पर है आपकी, राजस्थान में है। बट ये आज से 5-6-7 साल पहले क्वेश्चन आता था, अब अरावली से और डीपली क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ठीक है, तो देखो अरावली पर्वत श्रेणी पूरा विस्तृत इसका अध्ययन करते हैं, ये है गुजरात का क्षेत्र। ठीक है, तो गुजरात से ये पूरे पर्वत श्रेणी चालू होती है। अब आप लोगों कुछ लोग जो नए होंगे उनको पता होगा पर्वत श्रेणी क्या है, पठार क्या है, पहाड़ी क्या है, चोटी क्या है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी के पूरे वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये एक एक आधा आधा घंटा मैंने इनको समझाया, फिर भी एक शॉर्टकट में समझा देता हूँ। देखो अरावली पर्वत श्रेणी मतलब ये क्या है, आपने देखा होगा कहीं पर्वत तो इस तरीके से पूरा पर्वत का, इस तरीके से पूरी ये पर्वत के चट्टानों का एक समूह चला गया पर्वत का। अब इसमें क्या हो गया कि ये जो क्षेत्र है इसको बोल दिया, इस क्षेत्र को ये क्या है, पर्वत है, इसके सबसे ऊपरी वाले क्षेत्र को बोल दिया कि ये चोटी है, और ये यहां से लेकर के और यहां तक के क्षेत्र को बोल दिया कि ये क्या है, श्रेणी है। ये पूरी श्रेणी हो गई, इसमें सबसे ऊपरी हिस्सा पूरा, नीचे से ऊपरी हिस्सा इन सबसे, तो ये हो गया पर्वत और उसके सबसे उसका सबसे ऊपरी हिस्सा हो गया चोटी। तो वैसे ये है अरावली पर्वत श्रेणी। अब अरावली पर्वत श्रेणी में है क्या, देखो अरावली पर्वत श्रेणी में कितनी चीजें अपन को ध्यान रखनी है। सबसे पहले याद रखो कि अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात से चालू होती है और दिल्ली तक है। कहीं कहीं किताबों में दिल्ली से गुजरात लिखा होगा, बात एक ही है, गुजरात से और कहां तक, दिल्ली तक ये फैली हुई है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, अच्छा इसकी लंबाई कितनी है, इस पूरी श्रेणी की इंपॉर्टेंट फैक्ट,
सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, आरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई बताइए। तो इसकी लंबाई है, टोटल लंबाई है कितनी, 800 किलोमीटर। कितनी, 800 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है आरावली पर्वत श्रेणी की। लंबाई की बात करें तो कितनी लंबाई है आरावली पर्वत श्रेणी की, 800 किलोमीटर के समथिंग इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में लंबाई कहां पर है इसकी, तो सबसे अधिक मात्रा में लंबाई आपकी कहां है, राजस्थान में है। ये हो गया आपका आरावली पर्वत श्रेणी का। अब अगली बात देखो, विस्तार हो गया, विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है। अच्छा, अब यदि और डीपली क्वेश्चन पूछ ले, या आप जैसे पीएससी का प्री दे रहे हो, तो उसमें यदि क्वेश्चन, या अपन सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दे रहे हो, उसमें लंबाई ना पूछे, ये पूछ ले कि आरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है। चार ऑप्शन देखो, औसत ऊंचाई जो किताबों में है वो है 400 से 600 मीटर। कितनी, 400 से 600 मीटर के समथिंग इसकी क्या हो गई, आपकी औसत ऊंचाई हो गई आरावली पर्वत श्रेणी की। लंबाई कितनी है आरावली पर्वत श्रेणी की, 800 किलोमीटर, और ऊंचाई कितनी हो गई, 400 से 600 मीटर, ऊंचाई मीटर में हो गई और लंबाई किसमें हो गई, किलोमीटर में हो गई। यहां तक बात हो गई। अब अगली बात, अच्छा अब यदि बात करें तो जो आरावली पर्वत श्रेणी है, तो आरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ, अब बात क्या करेंगे इसके निर्माण की बात करेंगे। देखो ये पूरे फैक्ट फैक्ट अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं कर रहा हूं कहानियां बता करके इसकी, लेकिन देखो इसका निर्माण कैसे हुआ। देखो निर्माण, एक क्वेश्चन ये आता है कि पुराना वलित पर्वत, अच्छा आरावली पर्वत जो श्रेणी है ये अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत अब आने लगा। अवशिष्ट मतलब ये समाप्त हो चुका, तलहटी इसकी आ चुकी है, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था तब ये वलित पर्वत था। तो इसका जो निर्माण है, वलित पर्वत क्या है, अब यही क्वेश्चन बन गया है आपके दिमाग में, तुरंत क्लिक किया होगा ये वलित क्या होता है, उसके लिए ज्योग्राफी का आप पुराना वीडियो देखिए तो वलित पर्वत आपको पता चल जाएगा क्या होते हैं। देखो निर्माण, इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन, ये शब्द याद कर लो, बार बार आएगा ये प्री कैम्ब्रियन। अच्छा अब आप कहोगे ये प्री कैम्ब्रियन क्या है, देखो प्री कैम्ब्रियन कुछ नहीं, ये प्री कैम्ब्रियन काल यानी कि समय, तो ये मैंने पहले बता दिया है कि ये ज्योग्राफी के समय निर्धारण है पुराने, जैसे कार्बन डेटिंग पद्धति आपने सुनी होगी, ठीक है, अभी वर्तमान में मामला चल रहा है वो काशी मथुरा, काशी का है शायद, ठीक है, जो वहाँ पर फुवारा है या कुछ और है, ये शंकर जी का स्थान है, ये इस पर मसला चल रहा है कोर्ट में है, तो उसमें क्या कह रहे हैं कार्बन डेटिंग पद्धति से उसका काल निर्धारण कर लीजिए, पुराना बहुत पुराना होगा तो उस समय क्या होगा, ये मतलब शंकर जी का स्थान ही होगा, है ना, तो वैसे ही क्या है जो पुराना कार्बन डेटिंग पद्धति से जानकारी, तो ये जो निर्माण इसका हुआ था तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अब ये कालों की पूरी श्रेणी है, कौन कौन से काल होते हैं, कैसे कैसे काल होते हैं, तो जो कोई रिसर्च करते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, या पीएचडी जो करते हैं अपने लिए, तो केवल इसको रट्टा मान लेना है कि आरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ, बस बात खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो निर्माण कब हुआ इसका, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ आरावली का, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इनमें चट्टानें कौन कौन सी हैं। तो देखो तीन चार बातें हो गई, विस्तार गुजरात से दिल्ली तक, किलोमीटर लंबाई इसकी कितनी है 800 किलोमीटर, ऊंचाई कितनी है आरावली पर्वत श्रेणी की 400 से 600 मीटर। अच्छा जब ऊंचाई की बात की, मैंने बताया था ऊंचाई 400 से 600 मीटर, तो आप लोगों को एक दिमाग में सबके आया होगा कि सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है इसका, तो सब लोगों ने नाम सुना होगा उसका, गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। ये जो गुरु शिखर है ये आरावली पर्वत श्रेणी जो है उसका एक पर्वत है यहां पर, जिसका नाम है माउंट आबू करके एक पर्वत है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या है, माउंट आबू पर्वत है आरावली पर्वत श्रेणी पर ही एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट आबू, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, आरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो टिक क्या करना है, गुरु शिखर ना कि माउंट आबू, चोटी पूछ रहा है, ठीक है। अब चोटी ये इस तरीके से ये मान लो माउंट आबू है और ये बात पूछ रहा है कि आरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो चोटी कौन सी हो गई, माउंट आबू, गुरु शिखर। अच्छा अब इस चोटी की ऊंचाई यदि पूछ ले गुरु शिखर की कितनी है, तो 1722 मीटर इसकी हो गई चोटी की ऊंचाई हो गई 1722 मीटर। अब माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, अभी क्या पूछा, आरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर, बात वही है। दूसरा क्वेश्चन यही से बना कि माउंट आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो गुरु शिखर, ठीक है, तो गुरु शिखर ये हो गई दोनों, क्योंकि आरावली के अंतर्गत आ गया माउंट आबू, माउंट आबू के अंतर्गत आ गया गुरु शिखर, ठीक है। तो ये हो गई कि आरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हो गया, गुरु शिखर हो गया, ऊंचाई कितनी उसकी,
1722 मीटर है, ये हो गया। अच्छा, आप चट्टानों की बात कर रहे थे, तो देखो अरावली पर्वत श्रेणी में चट्टाने जो है तो एक धारवाड़ क्रम की है, धारवाड़ है और कुड़प्पा क्रम की भी है। कौन सी? कुड़प्पा क्रम की। दो क्रम की चट्टान है, धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। अब देखो भाई, ये धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम क्या है? जस्ट पिछला वीडियो है मेरा, धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम एकदम विस्तृत रूप में समझाया है कि धारवाड़ कहाँ कर्नाटक का, कुड़प्पा जिले का नाम है ना, धारवाड़ जिले का नाम कौन कौन से, इसकी विशेषताएं क्या है पूरी बताई मैंने। तो धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की इस जो पूरी पर्वत श्रेणी है इसमें चट्टाने पाई जाती है। अच्छा, जब धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टाने हैं तो इसमें अयस्क कौन कौन से? तो वही जो अपना इसमें अयस्क पाए जाएंगे आपके, जिंक, संगमरमर और चूना पत्थर, ये जो है तो सॉरी खनिज पाए जाएंगे। तो कौन कौन से? जिंक, चूना पत्थर और संगमरमर जैसे ये खनिज जो है यहाँ पर, और क्या कहे पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टाने कहाँ पर है? अरावली पर्वत श्रेणी पर है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई, ये चट्टाने कौन कौन सी हो गई? धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की। अब खनिज हो गई, अब अरावली पर्वत श्रेणी का वर्तमान का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, इसमें या दर्रे बोल दो या घाटियां, कुछ भी नाम आ जाए, तो तीन नाम याद रखो। एक नाम याद रखना है हल्दी घाटी। क्या नाम है? हल्दी घाटी, पहला नाम। दूसरा नाम अपन को याद रखना है पीपली घाट, पीपली घाट, ये दूसरा नाम हो गया। तीसरा नाम अपन को याद रखना है गोराम घाट। कौन सा घाट? गोराम घाट। ये तीन नाम वर्तमान के पेपर के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा डीपली अभी तो नहीं जाएगा, ठीक है। ये तीन नाम अरावली पर्वत श्रेणी का जो सबको पता है वो तो हो गया, ठीक है, गुरु शिखर, ये माउंट आबू, सब अभी तक खूब चलता रहा, क्वेश्चन आएगा सबके सब टिक कर देंगे और एक एवरेजिंग नंबर रहेगा। लेकिन यदि ये पूछ लिया कि पीपली घाट किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो ये समझ लो 90% लड़के बाहर, और जो लोग ये पूरी ये चीजें देखी, ये लेटेस्ट थोड़ा सा डीपली ये है। देखो, तो अरावली पर्वत श्रेणी में कौन कौन से दर्रे या घाट आते हैं? एक आता है हल्दी घाटी, दूसरा आता है पीपली घाट और तीसरा आता है गोराम घाट। तो तीन नाम बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, हल्दी घाटी, पीपली घाट और गोराम घाट। ये तीनों कहां पर स्थित हैं? ये घाट या दर्रे कहां पर स्थित हैं? ये सब स्थित हैं अरावली पर्वत श्रेणी पर ही स्थित हैं। कौन कौन से हैं? हल्दी घाटी, पीपली घाट और गोराम घाट, ठीक है। ये तीन बातें यहां हो गई कि ये तीन दर्रे अपन को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अरावली पर्वत श्रेणी में है वर्तमान की दृष्टि से, पेपरों की स्थिति देखी जाए तो। कौन कौन से? हल्दी घाटी, पीपली घाट और गोराम घाट, ये तीन हो गए। अच्छा, अब ये पर्वत श्रेणी है, यहां से एक दो नदियां भी, नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बना देगा कि इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत श्रेणी से है? तो दो नदियां हैं, एक का नाम याद रख लो लूनी। क्या नाम है एक का? लूनी। एक लूनी नदी है और एक का नाम है बनास। कौन सा? बनास। ये लूनी नदी और बनास नदी, दो नदियों का उद्गम स्थल जो है कहां से है? अरावली पर्वत श्रेणी से है। दो नदियां जो है तो यहां से निकलती हैं अरावली पर्वत श्रेणी से। कौन कौन सी हैं? लूनी और बनास, दो नदियां ये हो गई, कहां से निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी से। अच्छा, अब एक जर्नली क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी में जो वन पाए जाएंगे या जो वृक्ष होंगे वो किस प्रकार के होंगे? तो उसका एक नाम याद रखना, पर्णपाती प्रकार के होंगे। कौन से? पर्णपाती। बस ये शब्द, यदि क्वेश्चन पूछ ले कि अरावली पर्वत श्रेणी में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आपको टिक करना है पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्योंकि पूर्वी घाट में भी पर्णपाती प्रकार के वन ही हैं, ठीक है। तो अभी पर्टिकुलर अरावली पर्वत श्रेणी का यदि ये क्वेश्चन, मतलब लगभग यदि ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें कौन से वन पाए जाएंगे? पर्णपाती प्रकार के वन अरावली पर्वत श्रेणी में पाए जाएंगे। अब चलिए अगले पॉइंट में। अच्छा, अभी देखो तीन अभी मैंने इंपॉर्टेंट अरावली पर्वत श्रेणी की बताए घाट, ठीक है, पीपली घाट बताया, गोराम घाट बताया और हल्दी घाटी, तीन घाट बताए। अब एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट, अच्छा अरावली जो पर्वत श्रेणी है तो पता है आपको कि यहाँ पर खदानें तो है ही है, ये खदानों मतलब सेंस खदानें भी हैं और खनिज भी हैं, अयस्क भी हैं, सब कुछ यहाँ पर है। दो तीन खदानें यहाँ पर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके नाम इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, और सुने होंगे तो अच्छी बात है। तीन खदानों के नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, पहली खदान का नाम है मकारान की खदान, मकारान। पहली खदान का नाम क्या हो गया? मकारान। क्या नाम है? मकारान की खान हो गई एक, हो दूसरी हो गई डेगाना, डेगाना की खान। दूसरी कौन सी हो गई अपनी? डेगाना की खान। एक हो गई मकाराना की खान, मकारान की खान, दूसरी हो गई डेगान की खान और तीसरी हो गई जवार खान,
जवार खान, तीन खाने याद रखनी है। कौन कौन सी हैं? पहली खान का नाम है मकारान की खान, दूसरी खान का नाम है डेगाना की खान और तीसरी खान का नाम है जावर की खान या जावारा की खान है और कहीं कहीं जावर भी लिखा मिलता है, जावर की खान। ठीक है, तो कौन कौन सी खान होगी? मकारान की खान कहां पर? अरावली पर्वत श्रेणी में। मकारान की खान, डेगाना की खान और जावर की खान, तीन खाने, तीन खदानें यहां चलती हैं। अच्छा, अब ये तीन खदानें तो हो गई कहां पर हैं? ये अरावली में है, मकारान और डेगाना और जावर। ठीक है, ये शायद ये मकारान और डेगाना, ये जावर तो उदयपुर में है और ये मकारान और डेगाना ये राजस्थान के जो नागौर जिला है ना वहां पर है ये दो खाने, मकारान और डेगाना की और जावर है अपनी उदयपुर में। अच्छा, इनमें उत्खनन किस किस चीज का किया जाता है? तो देखो, जो मकारान की खान है उसमें संगमरमर का उत्पादन किया जाता है। किसका? संगमरमर का उत्पादन किया जाता है अपनी मकारान की खान में। ठीक है, जो डेगाना की खान है उसमें जिंक व टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। जिंक व टंगस्टन का उत्पादन किसमें किया जाता है अपना? ये डेगाना की खान में। ठीक है, और जो जावर की खान है इसमें जो है तो चांदी का उत्पादन किया जाता है जावर की खान में। किस चीज का? चांदी का। तो देखो सिंपल सा है, तीन खाने हैं, कौन कौन सी हैं? मकारान की खान है, डेगाना की खान है और जावर की खान है। मकारान की खान में संगमरमर का उत्पादन चल रहा है, डेगाना की खान में जिंक व टंगस्टन का उत्पादन चल रहा है और जावर की खान में चांदी का उत्पादन चल रहा है। अच्छा देखो, ये तो सिंपल सी चीजें हो गई, तीन खाने का नाम याद रखने हैं और तीन अपन को क्या याद रखने हैं? जो तीन मैंने पहले बताए हैं आपको, घाटी या दर्रे, तीन याद रखने हैं, वेरी वेरी मोस्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे आया था, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, ये क्वेश्चन ये आया था कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन था। तो देखो, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है सबको पता है राजस्थान में है, पर्वत श्रेणी भी पता है। अब वहीं की तीन चार पर्वत श्रेणी ये दे देगा या कुछ भी और यहाँ वहां की दे देगा, जिसने पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपको ये प्राकृतिक स्थल भी ध्यान रखने हैं कि कौन सी पर्वत श्रेणी या कौन सी पर्वत के नजदीक स्थित है। ठीक है, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो प्राकृतिक स्थल है वो भी अपना कहाँ पर? अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो इतनी बातें हो गई अपनी अरावली पर्वत श्रेणी के, इनसे वाहन नहीं जाएगा। चलिए एक बार जल्दी से अरावली पर्वत श्रेणी की चीजें रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले इसका विस्तार कहां से है? गुजरात से दिल्ली तक है। किलोमीटर कितना है ये? कितने किलोमीटर लंबी है ये? 800 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी? 400 से 600 मीटर है। ठीक है, सर्वोच्च शिखर इसका कौन सा है? गुरु शिखर है। निर्माण कब हुआ अरावली पर्वत श्रेणी का? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ठीक है, चट्टाने कौन कौन सी इसमें पाई गई अरावली पर्वत श्रेणी में? धारवाड़ और कड़प्पा क्रिपी चट्टाने पाई गई। खनिज कौन कौन से है इसमें मिलते हैं? जिंक, संगमरमर और चूना पत्थर जैसे ये खनिज और अयस्क मिलते हैं। घाटी कौन कौन सी थी? घाटी मैंने बताई थी हल्दी घाटी, पीपली घाट, गोराम घाट, ये घाटी थी। नदियां कौन सी इससे निकलती हैं? लूनी और बनास नदियां निकलती हैं। वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। खदानें कौन कौन सी बताई थी? मकराना की खान बताई थी जो संगमरमर का उत्पादन करती है, डेगाना की खान बताई थी जो जिंक एवं टंगस्टन का उत्पादन करती है और जावर की खान बताई थी जो चांदी एवं जिंक का उत्पादन करती है। तो ये हो गए, जल्दी से इसका रिवाइज हो गया। इसी तरीके से आपको घर में बार बार ऐसे रिवाइज कर लेना है, पूरा ये रट जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर बताया था मैंने, और एक और यहाँ पर है ऐसे याद रखना प्राकृतिक स्थल, एक और आपने सुना होगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो एक बहुत ही मजबूत दुर्ग था यहाँ का, अरावली जो पर्वत शिखर है श्रेणी है इसी पर यहाँ राजस्थान में स्थित था, बहुत ज्यादा आप वो क्या था, मजबूत दुर्ग था। वो भी कहाँ स्थित था? अरावली पर्वत श्रेणी की ऊंचाई पर ही स्थित था। ठीक है, तो कुंभलगढ़ भी यही स्थित था। तो ये अपनी बात हो गई अरावली पर्वत श्रेणी की। अब चलिए अरावली पर्वत श्रेणी से आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आज का ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, सबने पढ़ा होगा कि पूर्वी घाट, अभी आपको सबको लग रहा होगा कि पूर्वी घाट मुझे पता है, पश्चिमी घाट भी पता है। कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से, और वो इंपॉर्टेंट भी आपको खुद को लगेगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मेरे कहने से नहीं। अब चलिए देखो पूर्वी का, अब सिंपल सी बात, पूर्वी मतलब ये पूर्वी क्षेत्र का ये क्षेत्र हो गया तो इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, ये पश्चिम क्षेत्र हो गया तो ये पश्चिमी घाट हो गया। पूर्वी घाट किस सागर के किनारे स्थित है? तो आपको पता है ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के पास में है पूर्वी घाट, और ये अरब सागर है इस साइड गुजरात की यहां पर, तो अरब सागर के पास स्थित है पश्चिमी घाट। अब बात क्या करते हैं, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु, कन्याकुमारी दोनों को वही करेंगे, गुजरात से तमिलनाडु तक कौन सा हो गया? पश्चिमी घाट हो गया। और उड़ीसा से ले लो तमिलनाडु तक या कन्याकुमारी तक कौन सा हो गया? पश्चिमी घाट हो गया। देखो सबसे ज्यादा लंबा कौन सा है, यही क्वेश्चन आ जाए कि पूर्वी घाट लंबाई में सबसे ज्यादा कि पश्चिमी घाट है, तो सबसे अधिक लंबाई में है पश्चिमी घाट, 1600 किलोमीटर की लंबाई
है। इस घाट की जो ये पूरा घाट है इसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर है पश्चिमी घाट की लंबाई है। अब पूर्वी घाट की लंबाई है 1400 किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल भी सबसे ज्यादा है, 1,40,000 वर्ग किलोमीटर के समथिंग पश्चिमी घाट का क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल है 75,000 वर्ग किलोमीटर के समथिंग पूर्वी घाट का क्षेत्रफल है। तो चलिए अब बात करते हैं सिंपल से पश्चिमी घाट की। चलिए पश्चिमी घाट की चर्चा करेंगे अपन, एक एक बात यहाँ की समझेंगे कि पश्चिमी घाट में आखिर है क्या क्या, ठीक है। तो चलिए पश्चिमी घाट पे देखते हैं। विस्तार गुजरात से तमिलनाडु तक इसका विस्तार हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन इसका बनता है, पश्चिमी घाट ऐसी क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है ये, कि पश्चिमी घाट किस प्रकार का पर्वत है। बात करी घाट की, पूछ लिया पर्वत कि पश्चिमी घाट में किस प्रकार का पर्वत है, ऐसे कुछ क्वेश्चन बना देगा वो। ये याद रखना जो पश्चिमी घाट है ना वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, एक पूरा पश्चिमी के पश्चिमी घाट किसका उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये ब्लॉक पर्वत क्या है, तो ब्लॉक पर्वत के लिए देखो अब मैं वो चीजें फिर शुरुआत से कि जैसे इस तरीके से धस जाती है फिर अगल बगल का क्षेत्र उठ जाता है ब्लॉक पर्वत कहते हैं, उसी के लिए क्या है कि आपको ज्योग्राफी के वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी केवल फैक्ट याद रखिए कि पश्चिमी घाट किसका उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। डिटेल में समझना है तो पुराने वीडियो देखिए, ठीक है। अच्छा विस्तार इसका क्या है, गुजरात से तमिलनाडु तक मैंने बता ही दिया, क्षेत्रफल भी बता दिया इसका कितना है, 1,40,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन अब एक ये बनता है कि पश्चिमी घाट का निर्माण किस रूप में हुआ है। क्वेश्चन क्या बनना कि पश्चिमी घाट का निर्माण किस रूप में हुआ है, तो जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो उसमें ऑप्शन रहेगा भ्रंश कगार के रूप में, इसी को टिक करना है, भ्रंश कगार बिल्कुल ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको एबीसी में कहीं पर भी। तो पश्चिमी घाट का निर्माण किस रूप में हुआ है, तो किस रूप में है, तो उसमें आंसर क्या करना है, भ्रंश कगार। पहला फैक्ट ये है कि पश्चिमी घाट जो है तो वो कैसा बना है, भ्रंश कगार के रूप में इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है पश्चिमी घाट का, तो ये पहला हो गया, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात वही चट्टानों की बात, अब चट्टाने इसमें कौन कौन सी है, तो देखो इसमें पहली चट्टान है आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टान है सबसे पुरानी जो बताई थी मैंने पिछले वाले वीडियो में कि सबसे पुरानी चट्टान है आर्कियन क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। दूसरा धारवाड़ हो गई, ठीक है, और तीसरा हो गई दक्कन ट्रैप। तीसरा क्या हो गई, दक्कन ट्रैप, ठीक है। अब जो परमानेंट स्टूडेंट होंगे उनको बिल्कुल एक एक बात बहुत अच्छी तरीके से और समझ में आ रही होगी, आर्कियन क्रम की हो गई, धारवाड़ क्रम की हो गई और दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं, और उनको पढ़ते ही ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर खनिज कौन कौन से होंगे, क्योंकि मैंने उसको इतनी बढ़िया तरीके से बताया था कि जब कभी आर्कियन क्रम की चट्टानें आए तो समझ जाना कि यहाँ यही खनिज होगा, धारवाड़ क्रम की आए तो यहाँ समझ जाना कि यही क्रम होगा, ठीक है। तो आर्कियन क्रम, धारवाड़ और दक्कन ट्रैप की इसमें क्या पाई जाती है, पश्चिमी घाट में, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये तीन प्रकार की चट्टानें आपको मिलेंगी। अच्छा पश्चिमी घाट फेमस पता है किस चीज के लिए, सबसे अधिक मात्रा में लोहे का यदि उत्पादन की बात करें ना, कहां होता है अपने पूर्वी घाट में कि पश्चिमी घाट में, आंख बंद करके टिक कर देना है अपन को, लोहे इसका सबसे अधिक उत्पादन पश्चिमी घाट में होता है। जो लोहे का सबसे अधिक मात्रा में यदि भारत में कहीं उत्पादन किया जाता है तो पश्चिमी घाट पर ही किया जाता है लोहे का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन, ठीक है, क्योंकि ये आर्कियन, धारवाड़, दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं और सबसे अधिक मात्रा में लोहे का उत्पादन पश्चिमी घाट में किया जाता है। अच्छा अब दो तीन चीजें आपने सुनी होंगी, एक दर्रे का, कुछ दर्रे में लिख रहा हूं, एक का लिख रहा हूं थाल, फिर भोर, फिर सैनकोटा, सैनकोटा, ठीक है, थाल हो गया, भोर हो गया, सैनकोटा हो गया और पाल घाट हो गया। पाल, देखो ये तीन तो सबने सुन लिए कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है, और एक और है सैनकोटा दर्रा। ये सैनकोटा दर्रा है केरल में और ये दोनों तो महाराष्ट्र में है और ये थोड़ा सा कर्नाटक के क्षेत्र में आ जाता है, और सैनकोटा कहाँ दर्रा है, केरल में है। अब आपको ये होगा कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सब में हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि थाल घाट इनमें से कौन से घाट में स्थित है, थाल घाट इनमें से कौन से घाट में स्थित है, तो पूर्वी घाट में कि पश्चिमी घाट में, फिर आपको पता है कि कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है। भोर घाट कौन से घाट में स्थित है, पश्चिमी घाट में। सैनकोटा दर्रा किस घाट में स्थित है, सैनकोटा राज्य जब पूछे तो बात अलग है कि केरल अपन को टिक करना है, तो सैनकोटा दर्रा किस घाट में स्थित है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, तो सैनकोटा दर्रा कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है। पाल घाट कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है। तो ये तीन चार चीजें ये हो गई। अब चलिए अगली बात करते हैं, ये तो होगी घाट की। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ इसकी और इंपॉर्टेंट चीजें, इसमें कुछ पहाड़ियां स्थित हैं। अभी केवल अपने इस बेस पे पहाड़ियां पढ़ेंगे कि
पश्चिमी घाट पर कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं, फिर अपन पहाड़ियां ऐसी पहाड़ियां पढ़ेंगे कि कौन किस किस राज्य में स्थित हैं और उन पहाड़ियों की विशेषताएं क्या हैं या पर्वतों की विशेषताएं क्या हैं, वो फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज अपन पहाड़ियां पढ़ेंगे केवल पश्चिमी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, ठीक है। तो देखो इसमें पहाड़ियों के नाम लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। पहली हो गई हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये पहली हो गई जो पश्चिमी घाट पर स्थित है, ठीक है। और दूसरी हो गई नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ी भी कहाँ है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि पश्चिमी घाट पर है कि पूर्वी घाट पर, लेकिन पश्चिमी घाट पर है। दूसरी हो गई नीलगिरी की पहाड़ी भी कहाँ है, पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो हरिश्चंद्र हो गई, नीलगिरी हो गई, ठीक है। तीसरी हो गई अन्नामलाई, कौन सी, अन्नामलाई पहाड़ी भी कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट में। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कन्फ्यूजन वाली पहाड़ी है इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। अधिकतर लोग पूर्वी घाट टिक कर देते हैं, बट इलायची की पहाड़ी स्थित है पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो विशेष रूप से ध्यान देखना कि इलायची की जो पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट में स्थित है, तो इलायची हो गई, ठीक है। पांचवी हो गई अगस्त मलाई, कौन सी, अगस्त मलाई, ये भी कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है। और छठवीं हो गई अगस्त मलाई के बाद, छठवीं हो गई अनाई मुडी, वेरी वेरी मोस्ट, अनाई मुडी, मुडी मुडी बोलते हैं इसको। छह पहाड़ियों के नाम याद रखने हैं, हरिश्चंद, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची, अगस्त मलाई और अनाई मुडी। बिल्कुल लाइन से इनको याद कर लो, पश्चिमी घाट वाली हैं, हरिश्चंद हो गई, नीलगिरी हो गई, अन्नामलाई हो गई, इलायची हो गई, अगस्त मलाई हो गई, अनाई मुडी। अब इनमें भी मैं बता दूं कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तो इलायची और एक अनाई मुडी, ये दो वेरी वेरी मोस्ट इनको याद रख लो। इलायची की पहाड़ी क्योंकि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर है बिल्कुल साइड पे, यहाँ लास्ट में तमिलनाडु के एरिया में टच करती है, कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में कन्फ्यूजन हो जाता है जब देखोगे आप मैप में। तो इलायची की पहाड़ी है पश्चिमी घाट में, और अनाई मुडी पहाड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दक्षिण भारत की, ठीक है, अनाई मुडी का क्या है कि ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी की यदि बात की जाए तो वो अनाई मुडी है, सबसे ऊंचा पर्वत की भी यदि बात करो तो वो अनाई मुडी है। 2695 मीटर, कितना, 2695 मीटर की इसकी ऊंचाई है, किसकी, अनाई मुडी की, ठीक है। तो ये पांच कौन कौन सी हो गई, हरिश्चंद्र हो गई, नीलगिरी हो गई, अन्नामलाई हो गई, इलायची हो गई, अगस्त मलाई हो गई और अनाई मुडी। अनाई मुडी है कितनी, 2695 मीटर की ऊंचाई है। तो पश्चिमी घाट का वेरी मोस्ट चीजें ये। अब हरिश्चंद्र कहाँ स्थित है, नीलगिरी कहाँ है, अन्नामलाई कहाँ है, अगले वीडियो में जब मैं पर्वत पढ़ाऊंगा ना और पहाड़ियां पढ़ाऊंगा तब मैं एक एक बता दूंगा। अभी अपन ये घाट पे चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या बन जाए कि हरिश्चंद्र पहाड़ी किस घाट पर स्थित है, तो टिक करना है पश्चिमी घाट पर। नीलगिरी पहाड़ी किस घाट पर स्थित है, तो पश्चिमी घाट। अन्नामलाई पहाड़ी किस घाट पर स्थित है, तो आंसर पश्चिमी घाट। या पश्चिमी घाट में से इनमें से कौन सी पहाड़ी स्थित है, जो भी इनमें से एक नाम हो उसको टिक कर देना है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी पहाड़ियों की बात पश्चिमी घाट की। अब अगली बात देखो, यहां से कुछ नदियां निकली हैं, पश्चिमी घाट से नदियां निकली हैं और पूर्वी घाट से जाकर के और कहां, ये इस सागर में जो अपना बंगाल की खाड़ी है उसमें मिल जाती हैं। तो तीन नदियों के नाम आते हैं जो यहां से निकली हैं। पहला नाम आता है गोदावरी, का उद्गम भी है यहां से, ठीक है। और दूसरा, यहां के तीनों फेमस हैं, ये कृष्णा हो गई और तीसरा हो गई कावेरी। ये तीनों नदियां फेमस हैं जो कहां से, पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्वी घाट से होते हुए ये यहां समाहित हो जाती है, पूर्वी घाट को बर्बाद कर देती है, क्योंकि यहां से निकलेंगी तो बहुत कम प्रवाह रहेगा और यहां जाकर के बहुत फैल जाएंगी तो यहां ज्यादा उबड़ खाबड़ क्षेत्र बना देंगे। तो तीन नदियों का उद्गम, क्वेश्चन ये आएगा कि तीन नदियों का, ये गोदावरी नदी का उद्गम किस घाट से हुआ है, पश्चिमी घाट से। कृष्णा का उद्गम कहां से हुआ है, पश्चिमी घाट से। कावेरी का उद्गम कहां से हुआ है, पश्चिमी घाट से। अब यही क्वेश्चन बदल देता हूं मैं कि कृष्णा नदी का मुहाना किस घाट पर है, तो मुहाना की जब बात करेगा तो पूर्वी घाट, अब पश्चिमी घाट तक नहीं करना, उद्गम यहां से हुआ, मुहाना यहां। गोदावरी नदी का मुहाना किस घाट पर है, तो आपको टिक करना है पूर्वी घाट ना कि पश्चिमी घाट, ठीक है। तो ये हो गई पश्चिमी घाट की पूरी बातें। तो पश्चिमी घाट में क्या क्या अपन ने अपनी देख लिया, तीन चार चीजें जो भी देख ली पश्चिमी घाट में उनको क्लियर कर लेते हैं एक बार जल्दी से। देखो पश्चिमी घाट कौन से पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का। दूसरा अपन ने क्या देखा कि पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी घाट है इसका क्षेत्रफल कितना है, 140,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर है, सबसे अधिक मात्रा में लंबा ये घाट है, ठीक है। निर्माण कैसे इसका हुआ, भ्रंश कगार के रूप में इसका पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। चट्टानें कौन कौन सी थी, आर्कियन, धारवाड़ और दक्कन ट्रेप की चट्टानें थी। सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता, तो लौह ऐश सबसे अधिक मात्रा में यहां पाया जाता है। अगला, दर्रे कौन कौन से, थाल घाट, पाल घाट और बोर घाट, ये दर्रे और सेनकोटा दर्रा जो केरल में है वो पश्चिमी घाट में स्थित है, ये हो गया। पहाड़ियां कौन कौन
कौन सी थी इसमें, हरिश्चंद्र की पहाड़ी थी, नीलगिरी थी, अन्नामलाई थी, इलायची थी और अगस्तमलाई थी। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में ऊंचाई में स्थित पहाड़ी कौन थी, कौन सी है, यहाँ पर अनाईमुडी पहाड़ी सबसे अधिक ऊंची पहाड़ी है, जिसका कितनी है 2695 मीटर की ऊंचाई है। नदियां कौन कौन सी उद्गम है, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी नदी का उद्गम है। तो ये हो गया अपना पश्चिमी घाट की पूरी बातें। अब अपन बात करेंगे पूर्वी घाट में। तो देखो पूर्वी घाट में कुछ नहीं है, पूर्वी घाट की लंबाई कितनी है 1400 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल कितना है 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, विस्तार उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु दोनों का, नीचे कहां तमिलनाडु तक। अगली बातें चट्टाने पूर्वी घाट में कौन कौन सी है। अब बातें पूर्वी घाट, अब पहाड़ियां में है पहले नल्ला मलाई, यहां नाम लिख दे रहा हूं नल्ला मलाई। ठीक है, नल्ला मलाई हो गई पहली पहाड़ी। फिर दूसरा नाम लिख रहा हूं यहां वेनिकोंडा, एनाकोंडा नहीं है ये, वेनिकोंडा हो गई। तीसरी हो गई एर्रा मल्ला। चौथी हो गई अपनी जाउदी, ये इंपॉर्टेंट है ना, जाउदी। और पांचवी हो गई अपनी, जाउदी के बाद आ जाएगी सेवराय हो गई। और एक और लिख लीजिए छठवीं नंबर पर है पालनी। ये छह पहाड़ियां यहाँ पूर्वी घाट की कौन कौन सी, नल्ला मलाई, वेनिकोंडा, एर्रा मल्ला, जाउदी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा चुकी है कि जाउदी पहाड़ी कौन सी घाट पर स्थित है। तो जाउदी पहाड़ी कहाँ स्थित है, पूर्वी घाट पर स्थित है। शिवराय की पहाड़ियां सबको पता है पूर्वी घाट पर है, और पालनी की पहाड़ियां भी पता है आपको पूर्वी घाट पर है। ठीक है, अब समस्या इसमें क्या है कि ये एक जैसे नाम पूर्वी घाट पर भी हो जाते हैं और पश्चिमी घाट पर हो जाते हैं। इस कारण से इसको अच्छी तरीके से ध्यान देना है, इसको लिख के रख लेना है कि पश्चिमी घाट के अलग पहाड़ियां हैं, हरिश्चंद्र, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची, अगस्तमलाई, ये अलग है यहां पर। ठीक है, यहां पर भी मलाई आ चुकी है एक, तो उसमें पूर्वी घाट में कौन सी एक तो मलाई है, नल्ला मलाई एक हो गई, फिर वेनिकोंडा है, एर्रा मल्ला है, जाउदी है, सेवराय है, पालनी है, ये पहाड़ियां ये हो गई कहां पर आपकी पूर्वी घाट की, ये हो गई पहाड़ियां। ठीक है, तो अब पूर्वी घाट पर स्थित पहाड़ियां इनकी स्थिति अभी अगले वाले वीडियो में अभी ये आएंगी दोबारा, ये पहाड़ियां आएंगी, इनकी चोटियां आएंगी, इनकी स्थिति आएगी। तो अभी एक बार सुन लो, एक बार अगली बार और आगे वाले वीडियो में भी इनके नाम बार बार आएंगे। ठीक है, तो याद वैसी हो जाएंगी। तो ये हो गई अपनी छह पहाड़ियां हो गई। अब छह पहाड़ियों के बाद अब कुछ चोटियों की बात करते हैं जो पूर्वी घाट पर स्थित है और बहुत फेमस है पूर्वी घाट के नाम से। पहली चोटी का नाम तो महेंद्रगिरी, ये अधिकतर नाम पूछा जाता है महेंद्रगिरी की चोटी कौन से घाट पर स्थित है। तो महेंद्रगिरी की चोटी, ये वैसी राज्य की यदि बात करें तो आपको पता होगा महेंद्रगिरी कहां है, उड़ीसा पे स्थित है। ठीक है, और ये दर्शनीय स्थल भी है, महेंद्रगिरी हो गई। और दूसरा एक चोटी का नाम है अरमाकोंडू, कौन सा नाम है अरमाकोंडू, एक ये चोटी है अरमाकोंडू की चोटी है। ठीक है, एक है जीदागाड़ा, ये इंपॉर्टेंट है चोटी, जीदागाड़ा की चोटी भी पूर्वी घाट पर स्थित है। जीदागाड़ा की चोटी, ये वैसी राज्य जो जीदागाड़ा चोटी है, ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, कहाँ है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और इसको मैं चोटियों की और अच्छी तरीके कौन से पर्वत के अंतर्गत है सब अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी केवल ये पूर्वी घाट पर है, तो पूर्वी घाट के अंतर्गत चोटियां तीन मैंने अभी बता दी आपको कौन कौन सी है, महेंद्रगिरी हो गई, एक हो गई अरमाकोंडू, एक हो गई जीदागाड़ा। महेंद्रगिरी सबको पता है, इस कारण से इसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये सबको जानकारी है, आ भी जाएगी अपन भी चेक कर देंगे, सब चेक कर देंगे। किस्मत ये रखो कि ये जीदागाड़ा आ जाए, जीदागाड़ा यदि चोटी आ गई कौन सी घाट पर स्थित है, पूर्वी घाट पर पश्चिमी घाट पर है, आपने पढ़ लिया बिल्कुल, इसको क्लिक कर देना है कि जीदागाड़ा जो चोटी है वो पूर्वी घाट पर स्थित है। ठीक है, वन मैंने पहले बताया था कि पूर्वी घाट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं पूर्वी घाट पर। ठीक है, अच्छा कुछ हिल स्टेशन को भी नाम आपने यहां सुने होंगे, घूमने उमने के लिए लोग जाते रहते हैं, हिल स्टेशन है कुछ फेमस है जो पेपरों में भी कभी कभी दिखाई दे देते हैं क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो उसमें से एक हिल स्टेशन का नाम है जो इंपॉर्टेंट है, यारकाड़ा हिल स्टेशन एक फेमस है। ठीक है, ये यारकाड़ा जो हिल स्टेशन शिवराय की पहाड़ियां हैं जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, वहीं पर स्थित है ये यारकाड़ा हिल स्टेशन। और एक का नाम जो फेमस सब लोग जानते हो, कोड़ाई के नाल। ठीक है, ये जो पालनी पहाड़ी अपन ने पढ़ी थी ना, वहीं का एक हिल स्टेशन है कोड़ाई के नाल। देखो कोड़ाई के नाल अधिकतर लोग केरल समझते हैं, लेकिन कोड़ाई के नाल कहाँ है, पूर्वी घाट पर स्थित है, तो केरल पे नहीं होगा, क्योंकि केरल कहाँ है, पश्चिमी घाट पर है। तो कोड़ाई के नाल भी कहाँ पर है, ये कोड़ाई के नाल हिल स्टेशन है जो पूर्वी घाट पर स्थित है। तो यारकाड़ा हो गए और कोड़ाई के नाल हो गए, ये हिल स्टेशन यहाँ स्थित है। तो चलिए जल्दी से पूर्वी घाट की अपन चीजें देख लेते हैं कौन कौन से अपन ने पढ़ी। देखो पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उड़ीसा से लेकर के और तमिलनाडु तक। चट्टाने
कौन कौन सी पाई जाती है पूर्वी घाट पर, कुड़प्पा की चट्टान है और धारवाड़ की चट्टान है, खनिज कौन से हैं, चूना पत्थर और मैग्नीज इसमें खनिज पाए जाते हैं, पहाड़ियाँ कौन सी है, नलना मलाई की पहाड़ी है, वेनिकोंडा की पहाड़ी है और कौन सी है इसमें, एर्रा मल्ला की पहाड़ी, जावरी की पहाड़ी, सेवराव की पहाड़ियाँ और पाली की पहाड़ियाँ मैंने बताई इसमें, ठीक है। चोटियाँ कौन कौन सी बताई, महेंद्रगिरी की चोटी बताई, अरमाकोंडू की चोटी बताई और जीदागारा आंध्र प्रदेश में जो स्थित है चोटी, उस चोटी का नाम लिया। वन कौन से पाए जाते हैं पूर्वी घाट पर, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हिल स्टेशन कौन कौन से है, यारकांडा हिल स्टेशन है और एक कोडाईकनाल हिल स्टेशन है। तो ये हो गया अपना पूर्वी घाट पूरा। तो देखो अपन ने कौन कौन सा, अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ ली, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया। अब कल अपन विंध्य श्रेणी और जितनी भी तीन चार श्रेणियां हैं, जो श्रेणियों की संख्या जो है उनका भी और यहां का भी कुछ देख लेंगे, जो मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा में जो भी स्थित है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं तुरंत अपन, कल कौन कौन सी जो भी और यहां पर पहाड़ियां और श्रेणियां बची होंगी उनको भी कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।